स्वर्गीय भारत भूषण त्रिपाठी की स्मृति में गुरु कप इंटर स्कूल जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट U14 का आयोजन किया गया। खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा फिजिकल एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल के तत्वधान में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम आइकॉनिक स्कूल में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलोक खरे, ज्वाइनिंग डायरेक्टर DPE डॉक्टर आलोक मिश्रा, विभाग अध्यक्ष मेजर ध्यानचंद, शारीरिक शिक्षा विभाग बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, प्राचार्य आइकॉनिक स्कूल और CK जॉयसन मौजूद रहे। आइकॉन स्कूल में स्वर्गीय भारत भूषण त्रिपाठी स्मृति की याद में जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा फिजिकल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल के तत्वधान में किया गया। आज प्रथम मैच मदर टेरेसा स्कूल और रायसेन इंटरनेशनल स्कूल के बीच खेला गया। मदर टेरेसा स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मैच को अंतिम चरणों में 2-1 से जीतकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। दूसरा मैच सेंट जॉर्ज स्कूल विरुद्ध सेज इंटरनेशनल स्कूल अयोध्या के बीच खेला गया। इस मैच में सेज इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल के साथ सेंट जॉर्ज स्कूल को 2-1 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। पहले मैच के हीरो ऑफ द मैच यश चौहान रायन स्कूल रहे तथा दूसरे मैच के हीरो ऑफ द मैच सेज इंटरनेशनल स्कूल के प्रवेश शिव रहे। का टूर्नामेंट बच्चों के लिए आयोजित किया है। मेरा मानना है कि जो हमारी खेल की नर्सरी है वो विद्यालयों से प्रारंभ होती है और सबसे पहले जो हमारा छोटा ग्रुप है U14 वाला, अगर यहाँ से हम बच्चों को तैयार करते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे चल के हमें अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छे खिलाड़ी प्राप्त होंगे। ये टूर्नामेंट आदरणीय भारत भूषण त्रिपाठी जी गुरु की स्मृति में हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जैसे सोशल वर्कर और खेल के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति के साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला। मेरी उनकी जन्मस्थली एक ही है, इसलिए बचपन से उन्हें मैं जानता रहा। उन्होंने हमेशा पूरे समर्पण के साथ अपना जीवन सोशल वर्क में और खेल के प्रति लगाया है। आज उनकी स्मृति में विवेक जी ये टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, आइकॉनिक स्कूल मैनेजमेंट, आइकॉनिक स्कूल CJ जॉयसन सर, DO ऑफिस, आप सभी का यहां स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 टीमों को U14 जूनियर चैंपियनशिप के लिए भोपाल शहर में चुना गया है और नॉकआउट बेस पर यह टूर्नामेंट होगा। ओपनिंग सेरेमनी आइकॉनिक स्कूल में है। अन्य मैच अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मैदान पर भी रखे गए हैं। सभी खिलाड़ियों को कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर रिफ्रेशमेंट में, कल हम लोगों ने डिसाइड किया नींबू पानी, ओरिजिनल नींबू पानी हर बच्चे को हर दिन वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। बनाना हमने समोसा वगैरह अवॉइड किया है इस टूर्नामेंट में। मैसेज ये है कि ये जितने साथी लोग बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जॉयसन सर हैं, समय समय पे मदद करते हैं और बाकी जितने टीचर्स हैं ये सब मिलकर ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। कोई इसमें प्रोटेस्ट फीस नहीं है, सारी मीटिंग में भी बताया था प्रोटेस्ट फीस नहीं है, बट अगर किसी भी स्कूल के ऊपर कोई एलिगेशन होता है तो उसके कोच की ड्यूटी है कि वो अपने आप को प्रूफ करे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समस्त टीमों द्वारा अपने स्कूल के ध्वज के साथ मार्च पास्ट व प्रतियोगिता को पूर्ण रूप से नियम पूर्वक खेलने की शपथ लेकर किया गया। साथ ही आइकॉनिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। EMT न्यूज़ भोपाल।